हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ अप्लाइंग ऑफ मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, मतलब खेत में खाद एवं उर्वरक प्रयोग करने की विधियां। उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि खाद किसे कहते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि खाद किसे कहते हैं, तो खाद का आप जो परिभाषा लिखेंगे कि वे कार्बनिक पदार्थ जिसे किसान अपने घरों के आसपास सड़ा गला कर तैयार करता है, जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, जिसको बिना केमिकल के बनाया जाता है, घरों के आसपास जो कूड़ा करकट होते हैं, गोबर होते हैं, गाय का यूरिन होता है, उन सबको सड़ा गला करके जो खाद बनाया जाता है, उस खाद को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, खाद। उसके बाद हम जानेंगे फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, तो फर्टिलाइजर को हम हिंदी में बोला जाता है उर्वरक। उर्वरक का मतलब होता है वे पदार्थ जिसको बिना केमिकल के तैयार नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा पदार्थ जिसको केमिकल मिला करके बनाते हैं, जैसे हम लोग का हो गया यूरिया, हमारा हो गया डीएपी, उसके अलावा 20-20-13, इपको, इन सभी जो मटेरियल होते हैं जिसको हम खेत में प्रयोग करते हैं, उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको बनाने के लिए विशेष प्रकार के इंडस्ट्रियों की आवश्यकता पड़ती है। अगर वहां पर हम तैयार करते हैं किसी प्रोडक्ट को, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो बेसिक अगर आप परिभाषा जानेंगे तो इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं होता है और इसमें केमिकल का प्रयोग होता है। जिसमें केमिकल होता है उसे उर्वरक कहते हैं, जिसमें केमिकल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खाद कहते हैं। उर्वरक डालने से हमारे खेत की जो फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन खाद डालने से हमारे खेत की फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति, केचुआ की मात्रा, प्रोडक्शन क्षमता, ये सभी चीज धीरे धीरे क्या होती है, इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। जो भूमि बंजर हो जाए रहते हैं उन सभी भूमियों का भी क्या होता है, सुधार हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर टॉपिक में आते हैं कि खेत में खाद व उर्वरक प्रयोग करने की विधियों को समझाइए। अगर हम खेत में खाद डाल रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं, तो उसको किस विधि से डालेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला विधि है आपका सॉलिड मेथड, जिसको बोलते हैं ठोस रूप। अब ठोस रूप का मतलब यह होता है कि धातु रूप में रहना। जैसे आप देखे होंगे गोबर की खाद, उसके अलावा आप देखे होंगे कंपोस्ट खाद, उसके अलावा आप देखे होंगे डीएपी, उसके अलावा आप देखे होंगे यूरिया, ये सभी पदार्थ जो हैं ये सभी आगे ठोस रूप में होते हैं, लेकिन जैसे इसमें पानी पड़ता है ये घुलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग खेत में अगर ठोस रूप में किसी भी उर्वरक या खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस फॉर्म। जैसे पहला विधि है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं छिड़कवा विधि। छिड़कवा विधि का मतलब ये होता है कि किसान पहले खेत की तैयारी करता है, बीज की बुआई करता है, बीज बुआई करने के बाद किसी भी बर्तन में उर्वरक को रख लिया, डीएपी को रख लिया, चाहे यूरिया को रख लिया, उसके बाद हाथ से पकड़ करके उसको छींटना चालू कर देता है। अगर आप खेत में छींट रहे हैं उर्वरक को, छींट करके अगर आप खेत में डाल रहे हैं, तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड या छिड़काव विधि। दूसरा जो विधि है उसको बोलेंगे मिट्टी के नीचे उर्वरक देना, यानी कि सॉइल प्लेसमेंट, यानी जो सॉइल है उसके नीचे देना। जैसे कि एग्जांपल है, ये हमारा खेत है और इस खेत में हम बुआई से पहले पूरे खेत में हम लोग क्या डाल देंगे, खाद और उर्वरक को पहले से ही डाल करके रख देंगे। अगर आप मिट्टी के नीचे पूरी तरह से खाद और उर्वरक को पहले से ही मिलाकर रखे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी के नीचे उर्वरक देना। आगे बढ़िएगा, विशेष स्थान पर उर्वरक देना। विशेष स्थान का मतलब यह है कि आप 1 हेक्टेयर जमीन में मक्के की खेती की है, समझिएगा, तो इन सभी स्थानों पर आप मक्के लगाए हैं, ये चलिए आप मक्के लगा दीजिए। अब यहाँ पर ये तीनों पौधा तो अच्छा है, लेकिन ये बीज का जो पौधा है वो कमजोर है। अगर आपका बीज का पौधा अगर कमजोर है तो इसमें क्या करेंगे, इसके जड़ों के आसपास की खुदाई करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, उर्वरक या खाद का प्रयोग करेंगे। तो आप पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान पर जब आप खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसी को बोलते हैं विशेष स्थान पर उर्वरक देना, स्पेशलाइज लोकेशन पर हम लोग को उर्वरक का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िएगा, लिक्विड फॉर्म। लिक्विड का मतलब होता है आपका द्रव रूप में, यानी कि जो भी उर्वरक आप खेत में डालेंगे उसको आप पहले पानी में घोलेंगे, घोलने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप स्प्रेयर, किसान जो खेत में दवाई छिटने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेप स्प्रेयर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आप जानेंगे लिक्विड फॉर्म यानी कि दवाई या उर्वरक को हम लोग कैसे डालते हैं घोल के रूप में। तो सबसे पहले लेंगे पत्तियों पर छिड़काव। आप अभी मार्केट में नैनो यूरिया का नाम सुन रहे होंगे। नैनो यूरिया एक प्रकार का यूरिया ही है। यूरिया का सूत्र आपका होता है NH2CO NH2।
पृथ्वी का सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ से जो रसायन तैयार किया गया था या फर्टिलाइजर तैयार किया गया था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया के नाम से जानते हैं। अब यूरिया का प्रयोग आप देखे होंगे, यूरिया तो हम लोग 250 ml नैनो यूरिया को लेंगे, ये 100 किलो यूरिया के बराबर काम करता है लिक्विड फॉर्म, और इसको पानी में क्या करेंगे हम लोग घोल देंगे, और पानी में घोलने के बाद नेपसेक स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर स्प्रे करेंगे। जिस उर्वरक को हम लोग ठोस रूप में खेत में ले जाकर के छींट रहे हैं उसको पानी में घोल करके आप खेत में जब डालेंगे तो उसी विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना। आगे बढ़िएगा, सिंचाई की पानी के साथ साथ, अब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिगेशन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्टिगेशन। अब फर्टिगेशन दो शब्द से मिलकर बना है, पहला शब्द होता है आपका फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, और दूसरा शब्द होता है आपका इरिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है आपका पानी, और फर्टिलाइजर का मतलब आपका होता है उर्वरक। अब आप कोई भी उर्वरक को ले लीजिए, लाइक हम किसको ले रहे हैं, यूरिया को, आप उर्वरक के रूप में यहाँ पर किसका प्रयोग किए, यूरिया। अब इसको किस में घोल देंगे, पानी में घोल देंगे, तो ये पूरा द्रव रूप में हो जाएगा। अब इस द्रव रूप में क्या करेंगे, हम इस विधि का प्रयोग करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड में। ड्रिप का मतलब होता है सिंचाई की वह पद्धति जिसको हम टपक बूंद सिंचाई पद्धति कहते हैं, यानी पूरे खेत में पाइप का जाल बिछा रहता है, सिर्फ उसी स्थान पर पानी आता है जिस स्थान पर पाइप में रहता है छेद, और उसी जगह में छेद किया जाता है जहां पर हम पौधे को उगाया जाता है, पौधे को उगाते हैं। तो इस पानी की सहायता से, यानी कि अगर हम लोग मोटर को चालू करते हैं, यहां पर पानी बह रही है, तो इस पानी में जहां जहां पर पौधों को पानी पड़ रहा था उसके साथ साथ यूरिया भी आपके खेत में चल जाएगा। तो पानी के साथ साथ अगर आप खेत में उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं सिंचाई के पानी के साथ, जिसको अंग्रेजी में फर्टिगेशन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िएगा, इंजेक्शन के द्वारा, इंजेक्शन एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाला जाता है इंजेक्शन के द्वारा। जैसे आप देखे होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं लौकी का। लौकी का जो पौधा रहेगा शुरुआत में एकदम छोटा सा इसका फल निकले रहेगा, अब इस फल में हम सुई लगा देंगे, ये 3 दिन में इतना बड़ा साइज का हो जाएगा, तो अचानक ग्रोथ हुआ। तो हम किसी भी दवाई को, किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बीजों के ऊपर जब पड़ते हैं तो बीज क्या होता है, समय से पहले मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। जनरली वो खाने लायक नहीं रहता है, लेकिन किसान जब अधिक मुनाफा कमाना चाहता है तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो जब इंजेक्शन के द्वारा हम पौधों के शरीर के अंदर उर्वरक को प्रयोग कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो उसी को इंजेक्शन द्वारा बोला जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल विधियां भी रहते हैं, जिस विधियों का नाम है आपका पहला बेसल ड्रेसिंग। बेसल ड्रेसिंग का मतलब यह होता है जिस दिन आप खेत में बीज की बुआई कर रहे हैं, जिस समय आप खेत में बीज की बुआई कर रहे हैं उसी समय अगर आप खेत में उर्वरक या खाद को डाल रहे हैं, खड़ी फसल नहीं, जिस समय आप बीज डाल रहे हैं उसी समय या तो बीज के साथ उर्वरक को मिला दीजिए और पूरा खेत में छिट दीजिए। अगर आप बीज के साथ साथ उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं तो उस विधि को बोलते हैं बेसल ड्रेसिंग। आगे बढ़िएगा, टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है खड़ी फसल। खड़ी फसल का मतलब यह होता है कि आप खेती कर लिए हैं, आपका खेत, आपका जो पौधा है वो लगभग खड़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब तैयार हुए पौधों में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आप खेत में ले जाकर के खाद या उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। तो खड़ी फसल में अगर आप पुनः ले जाकर के खाद उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी विधि को हम क्या बोलते हैं, टॉप ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि खाद उसे कहेंगे जो किसान अपने घर के आसपास सड़ा करके बनाते हैं, उर्वरक किसान नहीं बना सकता, इसको बनाने के लिए विशेष जगह, विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उर्वरक, जिसमें क्या रहता है, केमिकल रहता है, जिसमें केमिकल पाया जाता है उर्वरक कहेंगे, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। शुरुआत में प्रोडक्शन देता है लेकिन धीरे धीरे इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, खराब हो जाती है। लेकिन खाद क्या है कि खाद की मुख्य विशेषता यह है कि भूमि की खोई हुई शक्ति, उर्वरा शक्ति को वापस लाने की क्षमता रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, धन्यवाद।